खुशी से गाएंगे हम सब मिलजुल कर गीत उसके गाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। सभी को जयशु जयशु। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, आज शनिवार है। हम विशेष रूप से मां मरियम को याद करते हैं। ईश्वर ने हमें मां मरियम को अपनी मां के रूप में दिया, जो निरंतर हमारे लिए प्रार्थना करती है, निरंतर हमारी प्रार्थनाओं को ईश्वर तक ले जाती है। आइए मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा हम प्रार्थना करें कि ईश्वर ने हमें फिर से एक नया दिन देखने को दिया, एक नया जीवन दिया है। आइए हम अपने सारे उद्देश्यों को, अपनी सारी प्रार्थनाओं को प्रभु को चढ़ाते हैं। और अपने जीवन में हम मनुष्य होने के नाते कई बार हमसे गुनाह होते हैं, कई बार हमसे पाप हो जाते हैं। आइए इस मिसा बलिदान में भाग लेने से पहले अपने पापों को याद करते हुए ईश्वर से अपने पापों की माफी मांगे। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुवारी धन्य मरियम से, सब सर्दूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, हमारे हृदय में विश्वास, भरोसे और प्रेम की वृद्धि कर, ताकि हम तेरे वरदान पाने योग्य बन जाएं और तेरी आज्ञाओं के पालन में प्रेम तथा आनंद का अनुभव करें। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। ईश्वर आपके हृदय और जीवा पर हो, ताकि आप ईश्वर की वाणी योग्य रीति से सुना सको। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ, फिलिप्पियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय एक, पद संख्या 18 से 26। मेरे लिए तो जीवन है मसीह और मृत्यु है उसकी पूर्ण प्राप्ति। मसीह का प्रचार हो रहा है, इससे मुझे आनंद होता है और मैं आनंद मनाता रहूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपकी प्रार्थनाओं और यीशु मसीह के आत्मा की सहायता द्वारा इन सब बातों का परिणाम यह होगा कि मैं मुक्त हो जाऊंगा। मेरी हार्दिक अभिलाषा और आशा यह है कि मुझे किसी बात से लज्जाना नहीं पड़ेगा और मसीह मुझ में महिमान्वित होंगे, चाहे मैं जीता रहूं या मर जाऊं। मेरे लिए तो जीवन है मसीह और मृत्यु है उसकी पूर्ण प्राप्ति। किंतु यदि मैं जीवित रहूं तो सफल परिश्रम कर सकता हूँ, इसलिए मैं नहीं समझता कि क्या चुन लूँ। मैं दोनों ओर खींचा हुआ हूँ। मैं तो चला जाना और मसीह के साथ रहना चाहता हूँ, यह निश्चय ही सर्वोत्तम है। किंतु मेरा शरीर में विद्यमान रहना आप लोगों के लिए
अधिक हितकर है। मुझे पक्का विश्वास है कि मैं आपके साथ रहकर आपकी सहायता करूंगा, जिससे आपकी प्रगति हो और विश्वास में आपका आनंद बढ़ जाए। इस प्रकार जब मैं फिर आपके यहाँ आऊँगा तो आप मेरे कारण मसीह पर और भी गौरव कर सकेंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। हे मेरे ईश्वर, हिरनी जैसे जलधारा के लिए तरसती है, मेरी आत्मा वैसे ही तेरे लिए तरसती है। अनुवाक्य। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मैं कब जाकर ईश्वर के दर्शन करूंगा। अनुवाक्य। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मुझे वह समय याद आता है जब मैं तीर्थयात्रियों के साथ आनंद और स्तुति के गीत गाते हुए उसके पवित्र मंदिर जाया करता था। अनुवाक्य। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। जय घोष। अलेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लुकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 14 वाक्य 1-7-11 तक। यीशु किसी विश्राम के दिन एक प्रमुख फरीसी के यहाँ भोजन करने गए। वे लोग उनकी निगरानी कर रहे थे। यीशु ने अतिथियों को मुख्य मुख्य स्थान चुनते देखकर उन्हें यह दृष्टांत सुनाया। विवाह में निमंत्रित होने पर सबसे अगले स्थान पर मत बैठो, कहीं ऐसा न हो कि तुमसे प्रतिष्ठित कोई अतिथि निमंत्रित हो और जिसने तुम दोनों को निमंत्रण दिया है वह आकर तुमसे कहे, इन्हें अपनी जगह दीजिए, और तुम्हें लज्जित होकर सबसे पिछले स्थान पर बैठना पड़े। परंतु जब तुम्हें निमंत्रण मिले तो जाकर सबसे पिछले स्थान पर बैठो, जिसे निमंत्रण देने वाला आकर तुमसे कहे, बंधु आगे बढ़कर बैठिए, इस प्रकार सभी अतिथियों के सामने तुम्हारा सम्मान होगा। क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, यदि आपको किसी पार्टी या किसी प्रोग्राम में बुलाया गया हो और आप उस पार्टी में, उस प्रोग्राम में जाते हो, तो हम हमेशा ये देखते हैं कि हमें अच्छी चेयर या प्रथम स्थान हमें मिले, और हम अधिकतर प्रथम स्थान पर या जो बेस्ट, जो कंफर्टेबल चेयर रहती है, हम वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं। और जब हमें पता चलता है कि वहाँ पर कोई और डिग्निटरी आ रहे हैं, हम मनुष्य चाहते हैं कि हम भी उन व्यक्तियों के साथ हमारा भी फोटो आ सके। पर क्या होगा यदि हमें उस प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ बैठने का मौका नहीं मिले, और जिसने हमें उस प्रोग्राम के लिए, उस पार्टी के लिए बुलाया हो, वह हमसे कहे कि आप पीछे जाके बैठ जाइए क्योंकि यह स्थान किसी और के लिए, तो हमें कितना दुख होगा, हमें लोगों के सामने लज्जित होना पड़ेगा। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, यह केवल मनुष्य की बात नहीं, हम देखते प्रभु येसु के शिष्य भी
वे भी ये चाहते हैं कि हम प्रभु यीशु के दाएं और प्रभु यीशु के बाएं बैठे, उनमें भी इस प्रकार की भावना होती है। लेकिन समस्या कहाँ पर आती है? जब हम प्रथम स्थान पर या पहले स्थान पर जाने की या उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम अपने आप को पाते हैं कि हम तो पिछले स्थान पर पहुंच गए हैं, समस्या वहां पर आती है। और इसीलिए आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं कि किसी विश्राम दिन पर एक प्रमुख फरीसी ने प्रभु को अपने यहाँ भोजन करने बुलाया। जब भोजन के पहले हम देखते हैं कि जो अतिथिगण वहाँ पर आते हैं वे सब मुख्य मुख्य स्थान चुनते हैं और प्रभु उन्हें देखते हैं और वो वहाँ पर एक दृष्टांत सुनाने जाते हैं। अब उस दृष्टांत द्वारा जिस मेहमान ने प्रभु को बुलाया है, उन मेहमानों को जिसने बुलाया है, उस अतिथि को पता नहीं कि यीशु के इन शब्दों से उन्हें और जो मेहमान आए हैं उन्हें बुरा लग सकता है, लेकिन फिर भी प्रभु उन्हें एक दृष्टांत सुनाते हैं। वे कहते हैं कि विवाह में निमंत्रित होने पर सबसे अगले स्थान पर जाकर मत बैठो। कहीं हम आप जाकर उस स्थान पर बैठ गए हो और वहाँ पर कोई प्रतिष्ठित अतिथि आता है और जिस मेहमान ने आपको बुलाया है वह आपसे कहे कि यह किसी और के लिए, आप पीछे जाके बैठ जाइए। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु यहाँ पर हमें बताते हैं कि हमें पिछले स्थान पर बैठना है, ताकि जिसने हमें बुलाया है वह आके हमें कहेगा, बंधु अर्थात मित्र, तुम पीछे क्यों बैठो, आगे आकर बैठो, इस प्रकार लोगों के सामने तुम्हारा सम्मान होगा। पर हम देखते हैं अपने जीवन में कि हम तो हमेशा आगे या प्रथम स्थान चुनते हैं। इस दृष्टांत द्वारा प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं? इस दृष्टांत द्वारा प्रभु हमें यही सिखाना चाहते हैं कि हमें अपने जीवन में नम्र बनना चाहिए, विनीत बनना चाहिए। और इसलिए प्रभु कहते हैं कि मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। पर कई बार हम अपने जीवन में देखते हैं हम सफलता प्राप्त करते हैं, हमारे पास सब कुछ आ जाता है और उसके साथ साथ कभी कभी हमारे अंदर घमंड भी आ जाता है और हम दूसरे लोगों को नीचा देखते हैं। लेकिन प्रभु हमें कहते हैं कि हमें अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ लिखा है कि प्रभु जो घमंड करता है उससे प्रभु क्रोधित होता है, लेकिन जो अपने आप को विनीत बनाता है, जो अपने आप को नम्र बनाता है, प्रभु उस पर अपनी दया और अपनी कृपा उस पर बरसाता है। इसलिए हम संत पौलुस के पहले पत्र अध्याय 5 वाक्य 5 से 6 में पढ़ते हैं, जहाँ पर लिखा है, आप सब के सब नम्रतापूर्वक एक दूसरे की सेवा करें, क्योंकि ईश्वर घमंडियों का विनाश करता परंतु विनम्र लोगों पर दया करता है। और वाक्य 6 में लिखा है कि आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें, जिससे वह आपको उपयुक्त समय में ऊपर उठाएंगे। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, हमारा प्रभु जो हमसे प्रेम करता है वह हमें हमेशा ऊपर उठाना चाहता है। लेकिन हम मनुष्य यह सोचते हैं कि हम अपने आप ही आगे बढ़ सकते हैं, और जब हम अपने आप को सभी चीज़ों से आगे बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं ईश्वर हमें शिक्षा देने के लिए वह हमें नीचे भी गिरा सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हमें अपने जीवन में नम्र बनना चाहिए, अपने जीवन में विनीत बनना चाहिए। और इसलिए लिखा है कि जो अपने आप को पहला मानता है वह पिछला माना जाएगा और जो पिछला है अगला माना जाएगा। तो हमेशा हमें अपने जीवन में नम्र बनना चाहिए। और आज के पहले पार्ट में हमें संत पौलुस कहते हैं कि मेरा जीवन जो है मैं पूर्ण रूप से ईश्वर में जीता हूँ। उसी प्रकार हम भी अपना जो जीवन है हमें पूर्ण रूप से ईश्वर में जीना है और ईश्वर के जो गुण है वह हमें अपने जीवन में उतारना है। तो आइए इस मिसा बलिदान में भाग लेते हुए विशेष रूप से ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर ने हमें बहुत सारे गुणों से भर रखा है, तो हम उन गुणों के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़े और ईश्वर ने जो हमें शिक्षा दी है, जो आज्ञा दी है, उसके अनुसार हम अपना जीवन व्यतीत कर सके। तो आइए इस मतलब के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें।
भाइयों बहनों और बच्चों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, तेरे प्रताप के सम्मुख अर्पित इन दानों पर दृष्टि डाल। हमारा यह सेवा समारोह तेरी ही महिमा के लिए हो। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दीनहीन बना लिया और कुआरी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेना और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो, गूंज रहा हो जल नभ जैसे विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का अगुआ तू परमेश्वर अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर, ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो, गूंज रहा जल नभ जैसे विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे,
कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्य को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्य को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधी ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधी ले जो पुनर्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जैन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुवारी मरियम, उनके वह धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु ख्रीस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के आइए हम सब मिलकर पिता ईश्वर से वही प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर
जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराई से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है, आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊँ। आमीन। क्रिस्त ने हमें प्यार किया और सुगंधित भेंट के रूप में ईश्वर के प्रति स्वयं को हमारे लिए अर्पित कर दिया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे आत्मा में अपने संस्कारों का फल उत्पन्न कर, ताकि जिन प्रभु को हमने संस्कार में ग्रहण किया है स्वर्ग में हम उसका साक्षात दर्शन कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। आप लोग विदा ले, ईश्वर के प्रेम और शांति में बने रहें। ईश्वर को धन्यवाद।